हेलो दोस्तों, ज्योति इंडियन रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आलू बीन्स की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने आलू को छोटे छोटे भागों में काट लिए हैं और बीन्स को भी बना लिए। उसके बाद कढ़ाई को हम गर्म कर लेंगे और उसमें सरसों का तेल डाल देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें पचफोरन डाल देंगे और पचफोरन को चटकने देंगे। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे और आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद हम तुरंत ढक्कन बंद कर देंगे क्योंकि उससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आता है। उसके बाद 5 मिनट तक हम आलू को ढककर भून लेंगे। अब हमारा 5 मिनट हो चुका है, आलू थोड़ा देर भून लिए हैं। अब इसमें हम बीन्स डाल देंगे और फिर उसके बाद हम अच्छी तरह चला लेंगे। उसके बाद हम नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। नमक पहले डालने से सब्ज़ी जल्दी पक जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। नमक डालने के बाद फिर से ढककर हम 10 से 15 मिनट के लिए हम भून लेंगे और थोड़ी थोड़ी देर पर हम चलाते रहेंगे। उसके बाद हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अगर आप चाहें तो सरसों का पेस्ट भी डाल सकते हैं, जिससे सब्ज़ी का टेस्ट और बदल जाता। फिर ढककर उसको थोड़ी देर और भूंज लेंगे। अब सब्ज़ी हमारा अच्छे से लाल हो चुका है। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच और मसाला को अच्छे से चलाने के बाद आप अपने हिसाब से इसमें पानी डाल दीजिए। अब 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और 1/2 चम्मच जीरा गोल की पाउडर डाल देंगे। अब ढककर थोड़ी देर हम खदकने देंगे। अब हमारा सब्जी बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें कटा हुआ धनिया का पत्ता डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अगर हमारा सब्जी बनाने का यह तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब्जी बहुत ही टेस्टी बनाएं दोस्तों, देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।